यज्ञ के समापन के लिए अंतिम संहिता डालो वत्स। ओम भवतु भिक्षां देहि। कहां जा रहे हो वत्स? यज्ञ समापन के अंतिम क्षण है ये, पूर्ण आहुति डालो। ओम भवतु भिक्षां देहि। बैठ जाओ वत्स, तुम यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। भिक्षां देहि राजन। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु बलि के द्वार पर कोई भिक्षुक आए और उसे भिक्षा के लिए दूसरी बार भी गुहार करनी पड़े तो बलि की दानी वृत्ति को 100 बार धिक्कार है। अब मैं नहीं रुक सकता। वत्स, रुक जाओ, वत्स रुक जाओ। ब्राह्मणदेव, कहिए क्या चाहिए आपको? राजन, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ और एक ब्राह्मण भिक्षा के अतिरिक्त और क्या चाह सकता है? क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, गोधन, गजधन, हीरे, मोती? नहीं राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणदेव, तो फिर जो भी आवश्यकता हो आपकी मेरे सामने व्यक्त कीजिए। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं उसे पूरा करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। राजन, राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? ब्राह्मण देव, क्या करेंगे आप 3 पग भूमि का? मैंने तो यह सुना था कि दानी बलि मैं ये पूछता है कि वो दान किसे दे रहा है और मैं ये पूछता है कि वो दान में क्या चाह रहा है। ब्राह्मण देव, मैंने 3 पग भूमि मांगने का कारण इसलिए नहीं पूछा था कि मैं प्रयास करना चाहता हूँ। तो फिर क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा था ब्राह्मण देव, यदि कोई ऐसा व्यक्ति 3 पग भूमि मांगे जिसका आकार साधारण व्यक्ति की तरह हो तो भी उसका कुछ भला ना होगा, और आप जैसे आकार वाले व्यक्ति के 3 पग तो और भी कम स्थान घेरेंगे, उसमें तो साधारण व्यक्ति खड़ा भी ना हो पाएगा। राजन, मैं ये 3 पग भूमि किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूँ, स्वयं अपने लिए मांग रहा हूँ। आप में क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा ब्राह्मण देव। मुझे तो यह सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि आप महासागर से केवल 1 बूंद पानी मांग रहे हैं, पर्वत से केवल 1 कण चाहते हैं, आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। और मैं क्षुब्ध हो रहा हूं कि इतना छोटा, इतना साधारण, इतना तुच्छ दान लेते हुए आपको तो लज्जा नहीं आ रही है, किंतु ब्राह्मण देव, देते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मांगिए ब्राह्मण देव, कुछ ऐसा मांगिए कि जिसे देते हुए मुझे प्रसन्नता हो, गर्व हो। राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना, इसे कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना। गुरुदेव, किंतु क्यों? इधर आओ, ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है ये? ये छलिया है, ये स्वयं विष्णु है। श्री विष्णु भगवान? हाँ विष्णु, जिसे तुम सब बड़े आदर से श्री विष्णु भगवान कहते हो, परंतु मैं जानता हूं ये कौन है, क्या है। देखो ना,
आज भी वामन रूप में हमें ठगने आ गया है। नहीं गुरुदेव नहीं, आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं माता लक्ष्मी का कितना बड़ा उपासक हूं। मैंने तो उनसे भी कहा था कि मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूं, जो मेरे दादाश्री प्रहलाद की पूज्य है। गुरुदेव मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज भगवान स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आए हैं। मैं तो प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा हूं। मूर्ख मत बनो, तुम विष्णु को नहीं जानते हो। ये तुम्हें दर्शन देने नहीं, दंड देने आया है। गुरुदेव भगवान यहां किस लिए आए हैं मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। वे यहां आए हैं मेरे लिए बस यही महत्वपूर्ण है। मैं जिनके दर्शन के लिए इतना व्याकुल था वे मेरे सामने हैं। क्या इससे बड़ा सौभाग्य संभव है? और वे भी भिक्षुक बनकर? ये सब एक ढोंग है, एक छलावा है, तुम इसके छल में मत आना। महाराज के विचार में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो ये ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना भी जा सकता है राजन। नहीं भगवान नहीं। तो फिर मेरी तीन पग भूमि? मैंने दे दी भगवान, मैंने दे दी। यो नहीं महाराज, संकल्प लेना होगा। अवश्य। कोई कीट फंस गया है। एक क्षण, मेरा छाता। संकल्प ले लिया मेरे अहोभाग्य के संसार को सब कुछ बांटने वाला आज मुझसे केवल तीन पग भूमि की याचना कर रहा है। ब्राह्मण देव नाप लीजिए तीन पग भूमि, मेरा दान स्वीकार करके मुझे धन्य कर दीजिए। बोलो वत्स, मैं तीन पग नापता हूं।
नहीं नहीं, अभी इसका समय नहीं हुआ है। आदि प्रजापति, मुझे अपने कमंडल से मुक्त करने की कृपा कीजिए। मुझे धरती पर जाना है, धरती मुझे पुकार रही है, धरती को मेरी आवश्यकता है। मैं जानता हूं देवी गंगा, पृथ्वी पर आपका अवतरण नितांत आवश्यक है, किंतु अभी आपके पृथ्वी पर अवतरण का समय नहीं आया है। अभी आपको यही मेरे कमंडल में रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। जो आज्ञा। हे बलि, मैंने पहला पग उठाकर समस्त धरती और पाताल को नाप लिया है, अब मैं दूसरा पग उठाने जा रहा हूं। दूसरा पग उठाकर मैंने समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया है बलि। मैं जानता हूं ब्रह्मदेव। तब तो ये भी स्मरण होगा कि मैंने तीन पग भूमि मांगी थी। प्रभु, मुझे इस बात का भी भली भांति स्मरण है। और अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं है। ये भी जानता हूं प्रभु। हे बलि, क्योंकि तीसरा पग धरने के लिए कोई स्थान शेष नहीं है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तीसरा पग क्षमा कर सकता हूं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। जिन हाथों ने आज तक बलि से दान स्वीकार किया है वे हाथ साक्षी हैं, जिन आंखों ने आज तक बलि को दान देते हुए देखा है वे आंखें साक्षी हैं, जिन कानों ने आज तक बलि की दानी प्रवृत्ति की ख्याति सुनी है वे कान साक्षी हैं कि बलि कभी अपने संकल्प से नहीं फिरता है। बलि ने सदा अपने हाथ खोलकर और नेत्र बंद कर दान दिया है। प्रभु, बलि ने आपको तीन पग भूमि दान करने का वचन दिया है। प्रभु, तो आपको अपना तीसरा पग उठाना ही पड़ेगा। उठा तो लूं बलि, परंतु प्रश्न ये है कि उसे रखूंगा कहां? वो स्थान शेष ही नहीं रहा। मैं जानता हूं प्रभु, मैं ये भली भांति जानता हूं कि आपके दोनों पगों ने यह सारी सृष्टि, मेरा सारा राजपाट और जो क्षेत्र मैंने जीते थे वे भी नाप लिए हैं। अब केवल एक ही स्थान बचा है जिस पर मेरा अधिकार है, जो मेरा है। मैं तुम्हारा वाक्य पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं बलि। वो कौन सी वस्तु है जिस पर अब भी तुम्हारा अधिकार है? प्रभु, वो वस्तु है मेरा शरीर। बस अब मेरी काया ही बची है जिसे मैं अपनी कह सकता हूं, जिस पर अब भी मेरा अधिकार है। प्रभु,
आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धरिए, ताकि संसार ये जान ले कि बलि केवल देना नहीं वचन निभाना भी जानता है। प्रभु कृपा करके उठाइए अपना पवित्र पग और धर दीजिए मेरे शीश पर। प्रभु ये मेरा आग्रह भी है, मेरा हट भी है और मेरी विनती भी है। हे बलि, यदि तुम्हारी यही इच्छा है और यदि तुम ये समझते हो कि इसी में तुम्हारा उद्धार है तो मैं ऐसा ही करूंगा। धन्य हो गया प्रभु, मैंने अपना वचन निभा दिया। हाँ बलि, तुमने अपना वचन निभाया तो सही, पर जानते हो कि यह सब मैंने क्यों किया? हे प्रभु, आपके अतिरिक्त आपकी लीला और कौन जान सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि संभवतः इसी में मेरा उद्धार निहित है। बलि, तुमने अपने जीवन का प्रारंभ बड़े शुभ और उत्तम ढंग से किया था, परंतु जब तुम जीवन के दोराहे पर पहुंचे तब तुम उस मार्ग पर चल पड़े बलि, जिस पर असत्य का डेरा था, अहंकार का अंधेरा था। यह वो मार्ग नहीं था बलि जो मेरे भक्त प्रह्लाद ने चुना था। यह तो हिरण्यकश्यपु की प्रवृत्ति का मार्ग था, जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयं मुझे नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था।